मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साल 2018 खत्म होने वाला है, हम 2019 में प्रवेश करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे समय बीते वर्ष की बातें चर्चा में होती हैं तो आने वाले वर्ष के संकल्प की भी चर्चा सुनाई देती है। चाहे व्यक्ति का जीवन हो, समाज का जीवन हो, राष्ट्र का जीवन हो, हर किसी को पीछे मुड़कर के देखना भी होता है और आगे की तरफ जितना दूर तक देख सके देखने की कोशिश भी करनी होती है और तभी अनुभवों का लाभ भी मिलता है और नया करने का आत्मविश्वास भी पैदा होता है। हम ऐसा क्या करें जिससे अपने स्वयं के जीवन में बदलाव ला सके और साथ ही साथ देश एवं समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। आप सबको 2019 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने सोचा होगा कि 2018 को कैसे याद रखा जाए। 2018 को भारत एक देश के रूप में, अपनी 130 करोड़ की जनता के सामर्थ्य के रूप में कैसे याद रखेगा, यह याद करना भी महत्वपूर्ण है। हम सबको गौरव से भर देने वाला है। 2018 में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई। देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई। विश्व की गणमान्य संस्थाओं ने माना है कि भारत रिकॉर्ड गति के साथ देश को गरीबी से मुक्ति दिला रहा है। देशवासियों के अडिग संकल्प से स्वच्छता कवरेज बढ़कर के 95% को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद लाल किले से पहली बार आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराया गया। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को मिली। दुनिया में देश का नाम ऊंचा हुआ। देश को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। सौर ऊर्जा और क्लाइमेट चेंज में भारत के प्रयासों को विश्व में स्थान मिला। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आयोजन हुआ। हमारे सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारे देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। देश के सेल्फ डिफेंस को नई मजबूती मिली है। इसी वर्ष हमारे देश ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा किया है, यानी अब हम जल, थल और नभ तीनों में परमाणु शक्ति संपन्न हो गए हैं। देश की बेटियों ने नाविका सागर परिक्रमा के माध्यम से पूरे विश्व का भ्रमण कर देश को गर्व से भर दिया है। वाराणसी में भारत के पहले जलमार्ग की शुरुआत हुई। इससे वाटरवेज के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबिल ब्रिज का लोकार्पण किया गया। सिक्किम के पहले और देश के 100वें एयरपोर्ट पाक्योंग की शुरुआत हुई। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप और ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत दर्ज कराई। इस बार एशियन गेम्स में भारत ने बड़ी संख्या में मेडल जीते। पैरा एशियन गेम्स में भी भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे यदि मैं हर भारतीय के पुरुषार्थ की, हमारे सामूहिक प्रयासों की बातें करता रहूं, तो हमारा मन की बात इतनी देर चलेगा कि शायद 2019 ही आ जाएगा। यह सब 130 करोड़ देशवासियों के अथक प्रयासों से संभव हो सका है। मुझे उम्मीद है कि 2019 में भी भारत की उन्नति और प्रगति की यह यात्रा यूं ही जारी रहेगी और हमारा देश और मजबूती के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस दिसंबर में हमने कुछ असाधारण देशवासियों को खो दिया। 19 दिसंबर को चेन्नई के डॉक्टर जयाचंद्रन का निधन हो गया। डॉक्टर जयाचंद्रन को प्यार से लोग मक्कल मारुथुवर कहते थे, क्योंकि वे जनता के दिल में बसे थे। डॉक्टर जयाचंद्रन गरीबों को सस्ते से सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते थे। लोग बताते हैं कि वे मरीजों के इलाज के लिए हमेशा ही तत्पर रहते थे।
अपने पास इलाज के लिए आने वाले बुजुर्ग मरीजों को वो आने जाने का किराया तक दे देते थे। मैंने thebetterindia.com वेबसाइट में समाज को प्रेरणा देने वाले उनके अनेक ऐसे कार्यों के बारे में पढ़ा है। इसी तरह 25 दिसंबर को कर्नाटक के सुलागिट्टी नरसम्मा के निधन की जानकारी मिली। सुलागिट्टी नरसम्मा गर्भवती माताओं बहनों को प्रसव में मदद करने वाली सहायिका थी। उन्होंने कर्नाटक में विशेषकर वहां के दुर्गम इलाकों में हजारों माताओं बहनों को अपनी सेवाएं दी। इस साल की शुरुआत में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जयाचंद्रन और सुलागिट्टी नरसम्मा जैसे कई प्रेरक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज में सबकी भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब हम हेल्थ केयर की बातें कर रहे हैं तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर में डॉक्टरों के सामाजिक प्रयासों के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। पिछले दिनों हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया था कि शहर के कुछ युवा डॉक्टर कैंप लगाकर गरीबों का फ्री उपचार करते हैं। यहाँ के हार्ट लंग्स क्रिटिकल सेंटर की ओर से हर महीने ऐसे मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं जहाँ कई तरह की बीमारियों की मुफ्त जांच और इलाज की व्यवस्था होती है। आज हर महीने सैकड़ों गरीब मरीज इस कैंप से लाभान्वित हो रहे हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटे इन डॉक्टर्स मित्रों का उत्साह सचमुच तारीफ के काबिल है। आज मैं ये बात बहुत ही गर्व के साथ बता रहा हूँ कि सामूहिक प्रयासों के चलते ही स्वच्छ भारत मिशन एक सफल अभियान बन गया है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक साथ 3 लाख से ज्यादा लोग सफाई अभियान में जुटे। स्वच्छता के इस महायज्ञ में नगर निगम, स्वयंसेवी संगठन, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, जबलपुर की जनता जनार्दन, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैंने अभी thebetterindia.com का उल्लेख किया था जहां मुझे डॉक्टर जयाचंद्रन के बारे में पढ़ने को मिला, और जब मौका मिलता है तो मैं जरूर thebetterindia.com वेबसाइट पर जाकर के ऐसी प्रेरक चीजों को जानने का प्रयास करता रहता हूँ। मुझे खुशी है कि आजकल ऐसी कई वेबसाइट हैं जो ऐसे विलक्षण लोगों के जीवन से प्रेरणा देने वाली कई कहानियों से हमें परिचित करा रही हैं, जैसे thepositiveindia.com समाज में पॉजिटिविटी फैलाने और समाज को ज्यादा संवेदनशील बनाने का काम कर रही है। इसी तरह yourstory.com उस पर यंग इनोवेटर्स और उद्यमियों की सफलता की कहानी को बखूबी बताया जाता है। इसी तरह sanskritbharati.in के माध्यम से आप घर बैठे सरल तरीके से संस्कृत भाषा सीख सकते हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं, ऐसी वेबसाइट के बारे में आपस में शेयर करें, पॉजिटिविटी को मिलकर वायरल करें। मुझे विश्वास है कि इसमें अधिक से अधिक लोग समाज में परिवर्तन लाने वाले हमारे नायकों के बारे में जान पाएंगे। नेगेटिविटी फैलाना काफी आसान होता है, लेकिन हमारे समाज में हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, और यह सब 130 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से हो रहा है। हर समाज में खेलकूद का अपना महत्व होता है। जब खेल खेले जाते हैं तो देखने वालों का मन भी ऊर्जा से भर जाता है। खिलाड़ियों को नाम, पहचान, सम्मान, बहुत सी चीजें हम अनुभव करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके पीछे की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो खेल विश्व से भी बहुत बढ़कर के होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। मैं कश्मीर की एक बेटी हनाया निसार के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने कोरिया में कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हनाया 12 साल की है और कश्मीर के अनंतनाग में रहती है। हनाया ने मेहनत और लगन से कराटे का अभ्यास किया, उसकी बारीकियों को जाना और स्वयं को साबित करके दिखाया। मैं सभी देशवासियों की ओर से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हनाया को
ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। वैसे ही 16 साल की एक बेटी रजनी के बारे में मीडिया में बहुत चर्चा हुई है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा। रजनी ने जूनियर महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। जैसे ही रजनी ने पदक जीता, वह तुरंत पास के एक दूध के स्टॉल पर गई और एक गिलास दूध पिया। इसके बाद रजनी ने अपने पदक को एक कपड़े में लपेटा और बैग में रख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रजनी ने एक गिलास दूध क्यों पिया। उसने ऐसा अपने पिता जसमेर सिंह जी के सम्मान में किया, जो पानीपत के एक स्टॉल पर लस्सी बेचते हैं। रजनी ने बताया कि उनके पिता ने उसे यहां तक पहुंचाने में बहुत त्याग किया है, बहुत कष्ट झेले हैं। जसमेर सिंह हर सुबह रजनी और उनके भाई बहनों के उठने से पहले ही काम पर चले जाते थे। रजनी ने जब अपने पिता से बॉक्सिंग सीखने की इच्छा जताई तो पिता ने उसमें सभी संभव साधन जुटाकर उसका हौसला बढ़ाया। रजनी को मुक्केबाजी का अभ्यास पुराने ग्लव्स के साथ शुरू करना पड़ा, क्योंकि उन दिनों उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इतनी सारी बाधाओं के बाद भी रजनी ने हिम्मत नहीं हारी और मुक्केबाजी सीखती रही। उसने सर्बिया में भी एक पदक जीता है। मैं रजनी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं, और रजनी का साथ देने और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसके माता पिता जसमेर सिंह जी और उषा रानी जी को भी बधाई देता हूं। इसी महीने पुणे की एक 20 साल की बेटी वेदांगी कुलकर्णी साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई बन गई है। वह 159 दिनों तक रोजाना लगभग 300 किलोमीटर साइकिल चलाती थी। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रतिदिन 300 किलोमीटर साइकिलिंग। साइकिल चलाने के प्रति उनका जुनून वाकई सराहनीय है। क्या इस तरह की अचीवमेंट्स, ऐसी सिद्धि के बारे में सुनकर हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलती? खास करके मेरे युवा मित्रों, जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तब हम भी कठिनाइयों के बीच कुछ कर गुजरने की प्रेरणा पाते हैं। अगर संकल्प में सामर्थ्य है, हौसले बुलंद है, तो रुकावटें खुद ही रुक जाती हैं। कठिनाइयां कभी रुकावट नहीं बन सकती हैं। अनेक ऐसे उदाहरण जब सुनते हैं तो हमें भी अपने जीवन में प्रतिपल एक नई प्रेरणा मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, जनवरी में उमंग और उत्साह से भरे कई सारे त्यौहार आने वाले हैं, जैसे लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, उत्तरायण, माघ बिहू, माघी। इन पर्व त्योहारों के अवसर पर पूरे भारत में कहीं पारंपरिक नृत्यों का रंग दिखेगा, तो कहीं फसल तैयार होने की खुशियों में लोहड़ी जलाई जाएगी, कहीं पर आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई दिखेंगी, तो कहीं मेले की छटा बिखरेगी, तो कहीं खेलों में होड़ लगेगी, तो कहीं एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाया जाएगा। लोग एक दूसरे को कहेंगे तिल गुड़ दिया अणि गोड़ गोड़ बोला। इन सभी त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सबको मनाने की भावना एक है। ये उत्सव कहीं न कहीं फसल और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी के बाद से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और सर्दियों की फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को भी खूब खूब शुभकामनाएं। विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की महक हमारे त्योहार अपने में समेटे हुए है। हम देख सकते हैं कि हमारे पर्व त्योहार प्रकृति से कितनी निकटता से जुड़े हुए हैं।
भारतीय संस्कृति में समाज और प्रकृति को अलग अलग नहीं माना जाता। यहाँ व्यक्ति और समष्टि एक ही है। प्रकृति के साथ हमारे निकट संबंध का एक अच्छा उदाहरण है त्योहारों पर आधारित कैलेंडर। इसमें वर्ष भर के पर्व त्योहारों के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा भी होता है। इस पारंपरिक कैलेंडर से पता चलता है कि प्राकृतिक और खगोलीय घटनाओं के साथ हमारा संबंध कितना पुराना है। चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित चंद्र और सूर्य कैलेंडर के अनुसार पर्व त्योहारों की तिथि निर्धारित होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन किस कैलेंडर को मानता है। कई क्षेत्रों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। गुड़ी पड़वा, चेटीचंद, उगादी, ये सब जहां चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, वहीं तमिल पुथांडु, विशु, वैशाख, बैसाखी, पोइला बैसाख, बिहू, ये सभी पर्व सूर्य कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं। हमारे कई त्योहारों में नदियों और पानी को बचाने का भाव विशिष्ट रूप से समाहित है। छठ पर्व नदियों तालाबों में सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति पर भी लाखों करोड़ों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। हमारे पर्व त्योहार हमें सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। एक और जहां इनका पौराणिक महत्व है, वहीं हर त्योहार जीवन के पाठ, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने की प्रेरणा बड़ी सहजता से सिखा जाते हैं। मैं आप सभी को 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले त्योहारों का आप भरपूर आनंद उठाए इसकी कामना करता हूं। इन उत्सवों पर ली गई फोटोज को सबके साथ शेयर करें ताकि भारत की विविधता और भारतीय संस्कृति की सुंदरता को हर कोई देख सके। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी संस्कृति में ऐसी चीजों की भरमार है जिन पर हम गर्व कर सकते हैं और पूरी दुनिया को अभिमान के साथ दिखा सकते हैं, और उनमें एक है कुंभ मेला। आपने कुंभ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, फिल्मों में भी उसकी भव्यता और विशालता के बारे में काफी कुछ देखा होगा, और ये सच भी है। कुंभ का स्वरूप विराट होता है, जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। इस बार 15 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, जिसकी शायद आप सब भी बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुंभ मेले के लिए अभी से संत महात्माओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ भी हो चुका है। इसके वैश्विक महत्व का अंदाजा इसी से लग जाता है कि पिछले वर्ष यूनेस्को ने कुंभ मेले को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में चिन्हित किया है। कुछ दिन पहले कई देशों के राजदूत ने कुंभ की तैयारियों को देखा। वहां पर एक साथ कई देशों के राष्ट्रध्वज फहराए गए। प्रयागराज में आयोजित हो रहे इस कुंभ के मेले में 150 से भी अधिक देशों के लोगों के आने की संभावना है। कुंभ की दिव्यता से भारत की भव्यता पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेरेगी। कुंभ मेला सेल्फ डिस्कवरी का भी एक बड़ा माध्यम है, जहां आने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति होती है। सांसारिक चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखते समझते हैं। खासकर युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं स्वयं कुछ दिन पहले प्रयागराज गया था।
मैंने देखा कि कुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रयागराज के लोग भी कुंभ को लेकर काफी उत्साही हैं। वहां मैंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया। श्रद्धालुओं को इससे काफी सहायता मिलेगी। इस बार कुंभ में स्वच्छता पर भी काफी बल दिया जा रहा है। आयोजन में श्रद्धा के साथ साथ सफाई भी रहेगी, तो दूर दूर तक इसका अच्छा संदेश पहुंचेगा। इस बार हर श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के बाद अक्षय वट के पुण्य दर्शन भी कर सकेगा। लोगों की आस्था का प्रतीक यह अक्षय वट सैकड़ों वर्षों से किले में बंद था, जिससे श्रद्धालु चाहकर भी इसके दर्शन नहीं कर पाते थे। अब अक्षय वट का द्वार सबके लिए खोल दिया गया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब आप कुंभ जाएं, तो कुंभ के अलग अलग पहलू और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कुंभ में जाने की प्रेरणा मिले। आध्यात्म का ये कुंभ भारतीय दर्शन का महाकुंभ बने, आस्था का ये कुंभ राष्ट्रीयता का भी महाकुंभ बने, राष्ट्रीय एकता का भी महाकुंभ बने, श्रद्धालुओं का ये कुंभ वैश्विक टूरिस्टों का भी महाकुंभ बने, कलात्मकता का ये कुंभ सृजन शक्तियों का भी महाकुंभ बने। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर हम देशवासियों के मन में बहुत ही उत्सुकता रहती है। उस दिन हम अपनी उस महान विभूतियों को याद करते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया। इस वर्ष हम पूज्य बापू का 150वां जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामाफोसा इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत पधार रहे हैं। पूज्य बापू और दक्षिण अफ्रीका का एक अटूट संबंध रहा है। ये दक्षिण अफ्रीका ही था जहां से मोहन महात्मा बन गए। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था और रंगभेद के विरुद्ध में डटकर खड़े हुए थे। उन्होंने फिनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म्स की भी स्थापना की थी, जहां से पूरे विश्व में शांति और न्याय के लिए गूंज उठी थी। 2018 नेल्सन मंडेला के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। वे मडीबा के नाम से भी जाने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला पूरे विश्व में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष की एक मिसाल थे। और मंडेला के प्रेरणा स्रोत कौन थे? उन्हें इतने वर्ष जेल में काटने की सहन शक्ति और प्रेरणा पूज्य बापू से ही तो मिली थी। मंडेला ने बापू के लिए कहा था, महात्मा हमारे इतिहास के अभिन्न अंग है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने सत्य के साथ अपना पहला प्रयोग किया था। यहीं पर उन्होंने न्याय के प्रति अपनी दृढ़ता का विलक्षण प्रदर्शन किया था। यहीं पर उन्होंने अपने सत्याग्रह का दर्शन और संघर्ष के तरीके विकसित किए। वे बापू को रोल मॉडल मानते थे। बापू और मंडेला दोनों पूरे विश्व के लिए न केवल प्रेरणा के स्रोत है, बल्कि उनके आदर्श हमें प्रेम और करुणा से भरे हुए समाज के निर्माण के लिए भी सदैव प्रोत्साहित करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले गुजरात के नर्मदा के तट पर केवड़िया में DGP कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। वहां देश के शीर्ष पुलिसकर्मियों के साथ सार्थक चर्चा हुई। देश और देशवासियों की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं, इस पर विस्तार से बात हुई। उसी दौरान मैंने राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की। यह पुरस्कार उनको दिया जाएगा जिन्होंने
किसी भी रूप में राष्ट्रीय एकता के लिए अपना योगदान दिया हो। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकता के लिए समर्पित कर दिया। वे हमेशा भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखने में जुटे रहे। सरदार साहब मानते थे कि भारत की ताकत यहाँ की विविधता में ही निहित है। सरदार पटेल जी की उस भावना का सम्मान करते हुए एकता के इस पुरस्कार के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 13 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का पावन पर्व है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। जीवन के अधिकांश समय तक उनकी कर्मभूमि उत्तर भारत रही और महाराष्ट्र के नांदेड़ में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जन्मभूमि पटना में, कर्मभूमि उत्तर भारत में और जीवन का अंतिम क्षण नांदेड़ में, एक तरह से कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके जीवन काल को देखें तो उसमें पूरे भारत की झलक मिलती है। अपने पिता से गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल की अल्पायु में ही गुरु का पद प्राप्त किया। गुरु गोविंद सिंह जी को न्याय की लड़ाई लड़ने का साहस सिख गुरुओं से विरासत में मिला। वे शांत और सरल व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन जब जब गरीबों और कमजोरों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, तब तब गुरु गोविंद सिंह जी ने गरीबों और कमजोरों के लिए अपनी आवाज दृढ़ता के साथ बुलंद की। और इसलिए कहते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात तड़ाऊं, तबे गोविंद से नाम कहाऊं। वे कहा करते थे कि कमजोर तबकों से लड़कर कभी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी मानते थे कि सबसे बड़ी सेवा है मानवीय दुखों को दूर करना। वे वीरता, शौर्य, त्याग, धर्मपरायणता से भरे हुए दिव्य पुरुष थे, जिनको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही अलौकिक ज्ञान था। वे एक तीरंदाज तो थे ही, इसके साथ साथ गुरुमुखी, ब्रजभाषा, संस्कृत, फारसी, हिंदी और उर्दू सहित कई भाषाओं के भी ज्ञाता थे। मैं एक बार फिर से श्री गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में ऐसे कई अच्छे प्रकरण होते रहते हैं जिनकी व्यापक चर्चा नहीं हो पाती। ऐसा ही एक अनूठा प्रयास FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हो रहा है। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में FSSAI सेफ और हेल्दी डाइट हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने में जुटा है। ईट राइट इंडिया अभियान के अंदर देश भर में स्वस्थ भारत यात्राएं निकाली जा रही है। यह अभियान 27 जनवरी तक चलेगा। कभी कभी सरकारी संगठनों का परिचय एक रेगुलेटर की तरह होता है, लेकिन यह सराहनीय है कि FSSAI इससे आगे बढ़कर जन जागृति और लोक शिक्षा का काम कर रहा है। जब भारत स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, तभी भारत समृद्ध भी होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है पौष्टिक भोजन। इस संदर्भ में इस पहल के लिए FSSAI का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा आप सबसे आग्रह है, आइए इस पहल से जुड़े, आप भी इसका हिस्सा लें। और खास करके मैं आग्रह करूँगा कि बच्चों को जरूर ये चीजें दिखाएं। खाने के महात्म्य की शिक्षा बचपन से ही आवश्यक होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2018 का ये अंतिम कार्यक्रम है। 2019 में हम फिर से मिलेंगे, फिर से मन की बातें करेंगे। व्यक्ति का जीवन हो, राष्ट्र का जीवन हो, समाज का जीवन हो, प्रेरणा प्रगति का आधार होती है। आइए नई प्रेरणा, नया उमंग, नया संकल्प, नई सिद्धि, नई ऊंचाई, आगे चले, बढ़ते चले, खुद भी बदले, देश को भी बदले। बहुत बहुत धन्यवाद।